मैं आज यहाँ पे जिन्ना हाउस जो कि को कमांडर लाहौर का घर है, वहाँ पर जो 9 मई को जिस अंधोनाक तरीके से और जिस इंतहाई ज़ालिमाना और दुश्मनों से बढ़ के जिस तरह यहाँ पर बलवाइयों ने हमला किया और घर को जिस तरह कमरों को आग लगाई, और ये ख्याल न रखा कि ये एक तारीखी इमारत है, ये ख्याल न रखा कि ये उस सपूत का घर है जो कि पाकिस्तान के माँ और बहनों की हिफाजत पर मामूर हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद थी, और जिस तरीके से ये बर्बरियत और मुल्क दुश्मनी की गई, इसकी मिसाल 75 साल में नहीं मिलती। मैं यहाँ पर आकर आज बड़ा एक दुखी दिल से बात कर रहा हूँ कि क्या सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का एक वाक़या होगा जिससे पूरी कौम के सर शर्म से झुक जाएंगे और पूरी कौम वो गमनाक होगी, अश्कबार होगी। मैं समझता हूँ कि ये लम्हा, काश ये हमारी ज़िंदगियों में ये लम्हा ना आता, मगर जो ये कार्रवाई जिन्होंने की है, कानून उनको कटहरे में लेके आएगा, उनके खिलाफ आईन और कानून का आनी हाथ उनको गिरफ्त में लेगा और उनको कानून के मुताबिक मिसाली सजाएं दी जाएंगी ताकि रहती दुनिया तक ये एक मिसाल बन जाए कि जो जिन माओं के सपूत इस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए, दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए सरहदों की हिफाजत करते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, और जब वो शहादत का रुतबा हासिल करते हैं, उनकी बीवियां बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, उनके घरों में आके वहाँ पर इस तरह की मुल्क दुश्मनी करना और इस तरह पाकिस्तान की इज्जत को तार तार करना, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान नियाजी के सर है, ये उसने प्लान किया, ये उसने इंस्टिगेट किया, लिहाजा प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स और अबेटर्स किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी, और अगर इसमें किसी ने रखना डाला